सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, अप्रैल महीने के अंदर 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में आपको काफी सारे ऐसे वर्क हैं जो कि कर लेना है, अदरवाइज क्या होगा, आपके ऊपर लेट फीस और इंटरेस्ट जो है वो लेवी कर दिया जाएगा। तो क्या क्या चीज है जो कि आपको इस 10 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो उसके अंदर हमने ड्यू डेट कैलेंडर आपके लिए अवेलेबल करवाया है, जिसमें सारे डेट्स हमने मेंशन किए हैं। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहला डेट है वो है आपको GSTR 3B की फाइलिंग से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 3B जिसकी मंथली फाइलिंग होनी है, यानी कि जो QRMP के अंदर नहीं है, उसकी डेट तो 20 अप्रैल 2021 थी जो कि कल निकल चुकी है। अगर वो एक्सटेंड नहीं होती है करंट सिचुएशन में तो अब आपको लेट फीस के साथ उसका पेमेंट जो है इस 10 दिन के अंदर कर देना होगा, अदरवाइज लेट फीस डेली के हिसाब से वो बढ़ती रहेगी। इसके बाद आता है जो बंदा QRMP स्कीम के अंदर चला गया है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके लिए जो ड्यू डेट है वो रहेगी 22 तारीख और 24 तारीख, यानी कि इस 10 दिन के अंदर आपको GSTR 3B की रिटर्न्स जो है वो फाइल करनी है। डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके लिए जो ड्यू डेट है वो 22 और 24 तारीख रहेगी। 22 तारीख किन के लिए? 22 तारीख उन लोगों के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स में है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी रजिस्ट्रेशन नॉर्दर्न स्टेट्स और ईस्टर्न स्टेट्स में है, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, आसाम, इनके लिए जो ड्यू डेट्स है वो 22 के अलावा 24 तारीख रहेगी। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पहले जो जनवरी और फरवरी के महीने के लिए आपने PMT 06 फाइल किया था वो अब फाइल नहीं होगा। अब जो फाइल होगा वो होगा GSTR 3B का क्वार्टरली रिटर्न, जिसमें आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का तीनों महीने का डेटा जो है एक्यूमुलेट करके क्यूमुलेटिव वे में डालना पड़ेगा। न्यू रिटर्न फाइलिंग में अगर कोई परेशानी आती है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप उसके लिए हमारा न्यू रिटर्न फाइलिंग कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली डिटेल्स भी ले सकते हैं। अब यहां पर हमने जब GSTR 3B और GSTR मंथली 3B की बात कर ली है, फिर आता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड एक बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट, जो कि इस 10 दिनों के अंदर आपको एज अ कंपोजिशन टैक्सपेयर पूरा करना है। वो क्या है? वो है फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड जो हमारा जीएसटी के अंदर एनुअल रिटर्न है फॉर कंपोजिशन टैक्सपेयर, वो आपको 30 अप्रैल 2021 तक फाइल कर देनी है। अभी तक कोई भी एक्सटेंशन का अपडेट जो है वो नहीं दिया गया है, इसीलिए आपको जो ड्यू डेट मान के चलना है वो 30 अप्रैल 2021 को मान के चलना है, अदरवाइज आपके ऊपर लेट फीस जो है वो लग जाएगी। और ये जो GSTR 4 है इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको बेहद ही सावधानी से तैयार करना है। क्या है वो चीज? वो है आपका परचेज से रिलेटेड जो डेटा है उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, क्योंकि GSTR 4 यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है वो परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, क्योंकि उनको CMP 08 जो क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है उसके अंदर परचेज का कोई भी ब्रेकअप डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब जब आप GSTR 4 डालेंगे तो आपको वहां पर रजिस्टर्ड परचेज, अनरजिस्टर्ड परचेज, हर चीज का डिटेल्स जो है वो पुट अप करना होगा, वो सारी फील्ड्स जो है वो मैंडेटरी है। इसके साथ साथ जो आपने टैक्सेस CMP 08 के अंदर जमा किया है उसका रिकनसाइल करते हुए जो बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स है वो भी आपको पे करना होगा। तो इस 10 दिन के अंदर जीएसटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्क थे वो आपको ये कर लेना है 3B और CMP 08। इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर जो मार्च महीने का हमारा TDS का रिटर्न है उसकी जो पेमेंट होती है उसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021। मार्च
21 के लिए टीडीएस जमा करने की जो डेट है वो 30 अप्रैल है, और टीसीएस को जमा करने की जो डेट हुआ करती थी वो 7 अप्रैल है, जो कि ऑलरेडी जा चुकी है। तो ये दो डेट जो हैं वो अलग अलग हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए टीडीएस का पेमेंट जो है आपको इस 10 दिन के अंदर फाइल कर देना है, ताकि इंटरेस्ट जो है वो आपका बच सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में जरूर से फाइलिंग कर लेनी है, अदरवाइज आपको परेशानी जो है इन फ्यूचर आ सकती है लेट फीस और इंटरेस्ट को लेते हुए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये डेट्स क्लियर हो गए होंगे और पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि अब आपको 30 अप्रैल से पहले किन किन चीजों को फाइल कर देना है और किस चीज को फाइल नहीं करने से क्या नुकसान आपके पास आएगा। GSTR1 की डेट्स तो ऑलरेडी अब जा चुकी हैं, उसमें आप कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते। अप्रैल महीने का जो रिटर्न आप मई में भरेंगे उसके अंदर अगर आप कुछ चाहते हैं तो चेंजेस जो हैं वो आप कर पाएंगे। जितने भी डेट्स आपको अभी बताए गए हैं वो सारे के सारे डेट्स आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल के अंदर अपकमिंग ड्यू डेट्स में दिया गया है। GSTR3 भी जो मार्च महीने की जानी है मंथली फाइलर्स के लिए वो 20 अप्रैल दी गई है। GSTR3 भी जो जनवरी से मार्च क्वार्टरली वालों के लिए है वो 22 और 24 अप्रैल है, जो मैंने आपको बताया है कि आपका डिपेंड करेगा कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद CMP08 की डेट तो ऑलरेडी जा चुकी है, जो कि 18 अप्रैल 2021 थी। GSTR4 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021, क्योंकि काफी लोग इसकी प्रिपरेशन या इसकी जो अरेंजमेंट है वो कर ही नहीं रहे हैं। इसको फाइल नहीं करेंगे तो एनुअल रिटर्न की लेट फीस जो है वो लागू हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें, क्योंकि एक्सटेंशन से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं, जो कि आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।